दोस्तों अभी मैं हूँ पुणे में और पुणे में जगह है भंबोली और यहीं पे एक बहुत ही बड़ी इटली बेस्ड एमएनसी कंपनी है जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी मैकेनिकल कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब वैकेंसी के बारे में पता करने के लिए आया हूँ। तो मैं पहले कंपनी गेट पे जा रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं पूछूंगा सिक्योरिटी गार्ड से वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी है कि नहीं, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, तो चलिए मैं पहले कंपनी के गेट पे जाता हूँ। नहीं तो नहीं होगा। ये भाई को ही आजकल हम साथ में ही लेके चलते हैं, ये भाई भी जब मिल ही जाते हैं और मैं इनको कॉल कर लेता हूँ जब वैकेंसी ढूंढने के लिए मैं निकलता हूँ। तो और इसके अपोजिट साइड आपको ओप प्लास्टिक मिल जाएगा और दूसरा कंपनी आपको भैरोक मिल जाएगा जो कि दोस्तों ओप आपका इसे भी चलते पूछते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अभी मैं गया था टेलेटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गेट पे जॉब वैकेंसी के बारे में पता करने के लिए। दोस्तों बहुत ही अच्छी मैकेनिकल कंपनी है। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट की बात करूँ तो दोस्तों ये कंपनी मैकेनिकल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आपका कार्बोरेटर हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, उसमें जो आपका वाल्व लगे होते हैं बाईपास वाल्व हो गया, ऐसे ऐसे दोस्तों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों भंबोली में ये कंपनी है। यदि आप भैरोक कंपनी आते हो या फिर दोस्तों मास्टर फ्लूइड कंपनी गेट के जस्ट बगल में ये कंपनी है। अगर आप दोस्तों पुणे स्टेशन से आते हो तो सबसे पहले भोसरी आ जाओ, भोसरी से चाकन चौक आ जाओ और चाकन चौक से बोलो दोस्तों किसी को ऑटो वगैरह को कि हमें जाना है भंबोली। भंबोली आने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट कंपनी गेट पे आ सकते हो, किसी से भी पूछ करके कि टेलेटो कंपनी क्या है या फिर भैरोक कंपनी कहाँ है। तो दोनों कंपनी गेट पे आओगे तो भैरोक कंपनी जस्ट अपोजिट साइड में है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, खास करके ITI फिटर, ITI मशीनिस्ट हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिस्ट हो गया, इन लोगों के लिए, या फिर दोस्तों आपका डिप्लोमा मैकेनिकल हो गया, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल हो गया, BTech मैकेनिकल हो गया, इन लोगों के लिए वैकेंसी चलता है। यहाँ पे दोनों बेस पे वैकेंसी चलता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और ज़्यादा नैप पे वैकेंसी चलता है। अगर दोस्तों आपका ज्वाइनिंग नैप पे होता है तो आपको एक साल के ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप काम करते रहो, अच्छा काम करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपको दोस्तों कंपनी में कभी निकालेगा नहीं। लेकिन नैप पे रहोगे तो आपको संभावना है आपको ब्रेक दे दिया जाएगा। और इसके पास बहुत सारे कंपनी है दोस्तों, जैसे भैरोक हो गया, इसके बाद जो ओप कंपनी है जो कि बम्पर वगैरह बनाती है, और आगे भी दोस्तों इसका संत तुकाराम महाराज जी का एक चौक है, उसके आगे भी बहुत सारे कंपनी है, पूरा MIDC है दोस्तों भंबोली। आप यहाँ पे भंबोली गांव में अपना रूम ले सकते हो और यहाँ पे जॉब करने के लिए आराम से आ सकते हो। वैसे हेल्पर या फिर लाइन पे 10th 12th वालों के लिए वैकेंसी निकलता है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी निकलता है, रेयर केस में ITI और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी निकलता है। तो ज़्यादातर मैकेनिकल प्रोडक्ट बनाती है, मैकेनिकल वालों के लिए ही कंपनी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा चीज़ आपको समझ में आ गया हो। और यहाँ पे फैसिलिटी की बात करें तो आपको मतलब कैंटीन वगैरह रहेगा, लेकिन दोस्तों वो आप चार्जेबल रहेगा। और सैलरी की बात करें तो दोस्तों अगर आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे अगर 10th 12th वाले को लगता है तो 12 से 12,500 सैलरी लगेगा दोस्तों 10th और 12th वालों के लिए। अगर ITI बेस पे अगर आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है तो 13 से 13,500 होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी, अगर नैप से होगा तो 14,000 जाएगा या फिर 13,500, उतना भी रह सकता है। लेकिन दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस और नैप्स में ज्वाइन करने से फ़ायदा यही होगा, नैप्स से ज्वाइन करोगे एज ए फ्रेशर के तौर पे एक साल के बाद आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन करोगे तो किसी भी तरह का सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वाले बोलेंगे भी आपको कि सर्टिफिकेट हम दिला देंगे, तो उसके भरोसे वगैरह नहीं रहना। अगर आपको दोनों ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जाएगा तो आप नैप्स में ही ज्वाइन करना। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट करो।